नमस्कार दोस्तों, इंफ्रा टॉस के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं एक डिफेंस डील से, जहां पर दोस्तों हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इनके द्वारा यूएस के साथ एक ड्रोन डील अप्रूव कर दी गई है। 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की ये डील बताई जा रही है। दोस्तों ड्रोन्स आने वाले समय में किसी भी कंट्री की डिफेंस फोर्सेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वेपन होगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और करंटली भारत के पास किसी भी तरह के अटैक ड्रोन्स नहीं हैं, इवन पाकिस्तान के पास भी अटैक ड्रोन्स हैं जो उनको तुर्की ने प्रोवाइड किए हैं। तो इसी के चलते ये चीज़ें और भी नेसेसरी बन जाती हैं। MQ-9B आर्म ड्रोन्स, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, ये प्रोक्योर करने की बात की जा रही है। कई महीनों से इसकी टेस्टिंग हमारी डिफेंस फोर्सेज के द्वारा की जा रही है और अब फाइनली जाके इसको अप्रूवल दी गई है। इनिशियल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 31 यूनिट्स प्रक्योर की जाएंगी, जिसमें से 15 हमारी नेवी के लिए होंगी, 8 आर्मी के लिए और 8 हमारी एयरफोर्स के लिए होंगी। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जब यूएस विजिट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली उस समय इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यू रोवे से रिलेटेड, जहाँ पर 200 महाराष्ट्र के त्रिबकेश्वरम में रोवे का काम अब स्टार्ट किया जाना है और हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लेकर टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। दोस्तों त्रिबकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इस टेंपल के पास ब्रह्मगिरी से अंजनेरी हिल्स तक बेसिकली रोवे बनकर तैयार होगा, जो कि स्पेसिफिकली रिलीजियस टूरिज्म के लिए होगा। ब्रह्मगिरी, जिसको गोदावरी रिवर का ओरिजिन माना जाता है, और अंजनेरी हिल्स, जिसको भगवान हनुमान जी का बर्थ प्लेस माना जाता है, ये दोनों को कनेक्ट करेगा। ओवरऑल 5.76 किलोमीटर यह लंबा होगा। नेशनल हाईवे 168 पर त्रिम्बकम रोड से स्टार्ट होगा और दो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, एक ब्रह्मगिरी की तरफ जाएगी जबकि दूसरी अंजनेरी हिल्स की तरफ जाएगी। टोटल 376.73 करोड़ पीसेस के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे और एक बार जब ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है तो उसके अगले 24 मंथ्स के अंदर अंदर इसको कंप्लीट किया जाएगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट फॉक्सकॉन से रिलेटेड, जहां पर 200 फॉक्सकॉन के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर प्लानिंग स्टार्ट कर दी गई है और कहा ऐसा जा रहा है कि वो इसी साल के अंदर अंदर इंडिया में उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ महीने पहले फॉक्सकॉन के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि वो फ्यूचर में ईवी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और अभी उनके द्वारा एक भी कहा जा रहा है कि जो ईवी टू व्हीलर्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन के द्वारा की जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्रीज होगा जहां पर वो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे। करंटली हमारे देश की कई सारी स्टेट्स के साथ इन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर दी है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन चार स्टेट्स का नाम सबसे आगे निकल कर आ रहा है और इसमें से भी महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये टॉप चॉइस रहने वाली हैं। हालांकि प्लानिंग तो फॉक्सकॉन के द्वारा कब से की जा रही है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन पिछले कुछ समय से इसको लेकर कोई अपडेट देखने को नहीं मिली थी, पर अब दोबारा से ये चर्चा में आ गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में डिस्कशन चली रही हैं। हमारे जो इंडियन ईवी मेकर्स हैं, फिर जो ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं, उनके साथ में भी इन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर दी है। स्पेसिफिकली एथरनर्जी के साथ भी इन्होंने बात की है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ भी चीज़ फाइनल नहीं है कि कहां पर इनका ये प्लांट बनकर तैयार होगा और बनकर तैयार होगा भी या नहीं, तो देखते हैं कि फर्दर इसको लेकर क्या डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यू रेल ब्रिज से रिलेटेड, जहां पर 200 न्यू यमुना रेल ब्रिज, जो कि दिल्ली में बनकर तैयार हो रहा है, अब ये फाइनल स्टेजेस में पहुंच गया है। अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर इसको ओपन किया जाएगा। दोस्तों इस न्यू यमुना ब्रिज को 1997 और 98 में अप्रूव किया गया था, जबकि कंस्ट्रक्शन इसका 2003 में स्टार्ट हुआ था। बीच में फालतू ही 5 साल का गैप पता नहीं क्यों डाल दिया। कंस्ट्रक्शन के बाद में इसमें काफ़ी लंबे डिले देखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट 20 सालों से अब इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल ही रहा है और आप देखें तो ब्रिज इतना कोई लंबा भी नहीं है, लेकिन अब कहा ऐसा जा रहा है कि अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर यह ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार जब ये ऑपरेशनल हो जाता है तो इस रेल ब्रिज के ऊपर ट्रेन्स ऑलमोस्ट 60-100 किलोमीटर पर आर की स्पीड तक ऑपरेट हो पाएंगी, क्योंकि जो पुराना ओल्ड ब्रिज है जो कि इसके पैरेलल है, वो पुराना होने के चलते वहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम स्पीड 30 किलोमीटर पर आर के आसपास ही है। तो देखते हैं कि अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर बनकर तैयार हो पाता है या फिर अभी इसको टाइम लगेगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को लेकर, जहाँ पर 200 हमारे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर एक और स्ट्रेच को ओपन किया गया है और इसकी लेंथ 27 किलोमीटर की बताई जा रही है। 200 यूपी के अहरोरा से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक ये बनकर तैयार हुई है और इसे ओपन किया गया है। साथ साथ स्ट्रेच के ऊपर जो पहली ट्रेन है वो भी दौड़ा ली गई है। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि यूपी में न्यू डगमगपुर से भावपुर के बीच में भी जो सेक्शन है उसको भी ओपन किया गया है। तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर जो सबसे तेज काम है वो यूपी स्टेट में हो रहा है। आज के समय में यूपी में EDFC की ऑलमोस्ट 90-95% स्ट्रेच कम्प्लीट हो चुकी है। इसके चलते बिहार के सोनगर से गुजरात के सानंद तक फ्रेट ट्रेन को अब सीमलेस कनेक्टिविटी मिल पाएगी, क्योंकि 1875 किलोमीटर लंबा कंटिन्यूस कनेक्टिविटी और वो भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर पूरी तरह से अब रेडी है।
करंटली जो फ्रेट ट्रेन्स इस एरिया में हमारे एग्जिस्टिंग पैसेंजर रूट्स पर ऑपरेट होती हैं उनके कंपैरिजन में वो फ्रेट ट्रेन्स जो इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ऑपरेट होंगी वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए आधा समय लेंगी, जिसके चलते अगेन लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होती हुई देखने को मिलेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों इस पीरियड के अंतर्गत डे बाय डे प्रोग्रेस आगे बढ़ता जा रहा है और अब कहा जा रहा है कि हमारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसके अंतर्गत सेकेंड ब्रिज भी बनाकर कंप्लीट कर दिया है। तो सो ये ब्रिज पूर्णा रिवर के ऊपर बनकर तैयार हुआ है, जो कि बिल्लीमोरा और सूरत दोनों स्टेशन के बीच में आता है। 360 मीटर इसकी लेंथ बताई जा रही है और इसके कंस्ट्रक्शन के लिए 40-40 मीटर के 9 गर्डर्स का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले फरवरी 2023 में भी पर रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया था जिसकी लेंथ 320 मीटर की थी, जबकि इसकी लेंथ 360 मीटर की है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत टोटल 24 ब्रिजेस बनकर तैयार होने हैं, जिसमें सबसे बड़ा ब्रिज अराउंड 1.2 किलोमीटर लंबा होगा। 20 ब्रिज गुजरात में बनेंगे जबकि 4 महाराष्ट्र में बनेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों मई मंथ में अगेन हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है और यूनियर बेसिस पर ये 10.3% डिक्लाइन किए हैं। दोस्तों एक्सपोर्ट्स को लेकर ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड आपको इस पूरे फाइनेंशियल में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो सही नहीं चल रही है। आने वाले समय में बहुत सारी अभी ऐसी कंट्रीज आएंगी जो कि रिसेशन में कूद जाएंगी और डेफिनेटली इसका इंपैक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स पर होगा ही होगा। मई मंथ में $34.98 बिलियन के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किए गए हैं, जो अप्रैल की तरह बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि अप्रैल में भी $34.66 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए थे। और अगर डिक्लाइन एक्सपोर्ट्स में हो रहा है तो सिमिलरली इंपोर्ट्स में भी डिक्लाइन हो रहा है। मई में $57.1 बिलियन के इंपोर्ट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और ईयर बेसिस पर इसमें भी 6.6% का डिक्लाइन देखने को मिला है। पर क्योंकि इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा हैं तो मई मंथ में जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट रहा है वो $22.1 बिलियन का रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि मई मंथ में हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स $25.3 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं, जो उनके अपसर्च ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है हुबली एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों इस एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग एक्सपांशन के लिए हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनली अप्रूवल दे दी गई है और अब देश की और सिटीज से ये एयरपोर्ट कनेक्ट हो पाएगा। दोस्तों हुबली एयरपोर्ट अभी एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, करंटली इसकी टर्मिनल बिल्डिंग 3600 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैली है। पी कार्स में 300 पैसेंजर्स को हैंडल कर पाती है, जबकि पूरे साल भर में 4 लाख से 5 लाख पैसेंजर्स को हैंडल करती है। और अभी करंटली इस एयरपोर्ट से बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे इस तरह की सिटीज़ की फ्लाइट ऑपरेट हो रही हैं, पर पिछले कुछ समय से देखा गया कि ट्रैफिक भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है और लोगों के द्वारा न्यू डेस्टिनेशंस को लेकर डिमांड भी की जा रही है। तो इसी के चलते अब इस एयरपोर्ट को बड़ा बनाया जाएगा। अप्रूवल के अकॉर्डिंग इस टर्मिनल बिल्डिंग का एरिया इंक्रीज करके 20,000 स्क्वायर मीटर किया जाएगा, जिसमें कई सारी न्यू फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। 273 करोड़ पीसेज के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे। एक बार जब ये बनाकर कंप्लीट कर दिया जाता है तो हमारी और सिटीज़ तो कनेक्ट होंगी होंगी, साथ साथ हमारी कुछ नेबरिंग कंट्रीज में भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से स्टार्ट हो पाएंगी और पी कार्स में ये 1,400 पैसेंजर्स को इजीली हैंडल कर पाएगा। अगली दो सौ अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यू एस्केलेटर से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों हमारे देश का सबसे लंबा एस्केलेटर मुंबई मेट्रो के अंतर्गत बनकर तैयार होगा और मुंबई मेट्रो की लाइन 3, जो कि मोस्टली एक अंडरग्राउंड मेट्रो है, उसी के अंतर्गत ये बनकर तैयार होगा। दोस्तों इस एस्केलेटर की लेंथ अराउंड 19.12 मीटर की होगी। CST एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 2 है, जिसको इंटरनेशनल टर्मिनल भी कहा जाता है, उसे ये कनेक्ट करेगा, क्योंकि उसी के पास मुंबई मेट्रो लाइन 3 का वन ऑफ द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। और रेफरेंस के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो 8 मंजिला बिल्डिंग के बराबर इसकी लेंथ होगी और जैसे ही ये बनेगा तो ये दिल्ली मेट्रो का जो एस्केलेटर का रिकॉर्ड है वो तोड़ देगा, क्योंकि अभी हमारे देश का लॉन्गेस्ट एस्केलेटर दिल्ली मेट्रो के अंतर्गत बन चुका है, जिसकी लेंथ अराउंड 15.6 मीटर की है और जनकपुरी के पास वो बना हुआ है। अगले 1-2 सालों के अंदर अंदर ये रिकॉर्ड मुंबई मेट्रो के पास होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपके वीडियो को देखने के लिए।